नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे MCA T20 सुपर सीरीज का। जो दोस्तों पहला मैच होगा, ये फेज वन है, इसका पहला मैच होगा साउदर्न हिटर्स वर्सेस वेस्ट वॉरियर्स के बीच। इन डेप्थ दोनों टीम के बारे में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये ना कौन सा एडिशन है आपको पता है? ये सेकेंड एडिशन है, मतलब फर्स्ट एडिशन हो गया होगा। उनके रिकॉर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? अब देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, टीम्स में इतना चेंजेस है ना, टीम्स में जब चेंजेस होता है ना, वो कम्बिनेशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इस रीजन से फिलहाल दोस्तों लास्ट एडिशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बट प्लेयर्स के ना डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स, मतलब विरेंदीप सिंह, आपको पता होगा क्या है, मलेशिया का दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, अमित फैस इंटरनेशनल प्लेयर है, इन्होंने दोस्तों डोमेस्टिक में कैसा परफॉर्मेंस किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, चलो MCA T20 ट्राई सीरीज हुआ था दोस्तों कब में? जून मंथ में हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था जून मंथ का 10 तारीख से। उस सीरीज में दोस्तों सईद अजीज ने बॉलिंग नहीं कराया। सईद अजीज रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो चलो जान लो, क्रिकेट इन्फो में जाके देख सकते हो, मलेशिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है रिसेंटली, वो था T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर बी, उसमें दोस्तों डेफिनेटली मलेशिया बेस्ट टीम थे। तो उसमें मलेशिया से दोस्तों सईद अजीज ने एक भी बॉल नहीं डाला। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सईद अजीज क्या है, एक एज बेटर प्ले करेगा? मुझे लगता है कि 75% पॉसिबिलिटीज है वो एज बेटर प्ले करे। क्या मैं उसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा? अगर मैं उनको VC नहीं बनाऊंगा, कौन दूसरा VC ऑप्शन रहेंगे? और कौन मेरे हिसाब से इस मैच में क्रैनलिक डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हो, ऐसा प्लेयर रहेगा? संपूर्ण एनालिसिस मिलेंगे इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो अच्छे से देखोगे तो एक बेटर टीम आप खुद इजिली अपने से क्रिएट कर लोगे। बट स्टिल मेरा भी तो रोल है ना, मैं ट्राई करूंगा। मैं इस मैच का फाइनल अपडेट ये 7:30 बजे स्टार्ट होंगे, इसके बाद मैं चंडीगढ़ T20 में वीडियो डालूंगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, चंडीगढ़ T20 का वीडियो मिलेगा आपको, वीडियो मिलेगा ECS का, बट मैं खुद टीम प्रोवाइड करूंगा। जो 12-15 में एक और मैच होगा दोस्तों MCA T20 सुपर सीरीज का, उसका मैं टीम प्रोवाइड करूंगा। मैं द 100 ओमेंस कवर कर रहा हूँ, देखो द 100 मैच कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी 3-4 सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए द 100 ओमेंस मैं कवर करूंगा। और चंडीगढ़ हो गया, जापान T20 होगा 5th से, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो भी कवर करूँ। तो इतने सारे मैचेस का ना एक्सक्लूसिव कवरेज आपको केवल और केवल इसी चैनल में मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल में अगर न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, करो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड फॉर फ्यूचर अपडेट, फॉर फाइनल अपडेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। लिंक में आपको प्रेस करना है और रिडायरेक्ट हो जाना है दोस्तों टेलीग्राम चैनल। अभी आते हैं एनालिसिस पॉइंट में दोस्तों, 140 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। 7:30 बजे ये मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होने वाला है। WW के प्लेयर्स अगर आप देखोगे ना, वीरेंदीप सिंह तगड़ा प्लेयर है, ठीक है दोस्तों, मेरा तो मानना है वीरेंदीप मलेशिया का बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। इनके साथ ओपन कराएगा बिलाल अहमद, रिसेंट ऑप्शन है इस मैच में, हाईली सिलेक्टेड भी है, रिसेंट फॉर्म भी इसका तगड़ा है बंदे का। पता है MCA ट्राई सीरीज में बिलाल अहमद ने क्या किया दोस्तों? MCA ट्राई सीरीज ने ना बिलाल अहमद थे थर्ड हाईएस्ट रन गेटर, 147 का स्ट्राइक रेट से इसने ट्राई किया था, 3 मैच में 165 रन बनाया था दोस्तों। तो ये बंदा आपके लिए एक अच्छा पिक होगा, हाईएस्ट रन था 71 रन, ठीक है, बिलाल अहमद ये अच्छा डिफेंशियल है। फिर आएंगे अनास मलिक, बैट फर्स्ट ट्राई करना है तो करो। शर्विन सुरेंद्रन, इसने इंटरनेशनल सर्किट में डेब्यू किया, डिसेंट खेल रहा था दोस्तों। अकरम मलिक रहेंगे, फिर दुरानी, फिर कार्तिक, पवनदीप सिंह होगा, ऐसा होगा कुछ इनका बैटिंग ऑर्डर। अब देखो दोनों टीम का अगर विकी मिलाते हो, क्योंकि आपको विकी सेक्शन में सईद अजीज मिल जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सोचेंगे ही नहीं एस कार्तिक और देविन सार के बारे में। ग्रैंड लीग में जिनको लेना है, देखो ग्रैंड लीग में थोड़ा अलग बनाना है तो ले सकते हो, मे बी वी ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, सईद अजीज पहला बॉल में 0 पे आउट हो गया, नेगेटिव पॉइंट वहीं पे दोस्तों, सिद्धार्थ कार्तिक ने एक रन आउट करा दिया, एक दूसरों कीपिंग से कैच पकड़ लिया, पॉइंट दे गया, ड्रीम टीम का पार्ट, वो ग्रैंड लीग का फैक्टर है, उसमें यूज करना है तो करो, स्मॉल लीग में नहीं करेंगे। जियाद हुसैन मैं नहीं लूंगा, 2 T10 मैच में 10 ही रन है इसका। बिलाल अहमद दोस्तों ये जो बंदा है ना, 6 T20 खेला है, 199 बनाया, 33 एवरेज है रिसेंटली, SSF T20 में 7 रन, 0 विकेट, 59 0 विकेट, 35 0 विकेट, अच्छा खेला था दोस्तों। मलेशिया MCA T20 ट्राई सीरीज भी इनका बहुत अच्छा था दोस्तों। फिलहाल के लिए मैं अपने टीम में रख लूंगा,
किसको दोस्तों? बिलाल अहमद को। ठीक है, एमसी T20 ट्राई सीरीज आई थिंक ना रिकॉर्ड फैन कोड में नहीं मिलेगा। ये जो रिसेंट रिकॉर्ड है ना, ये दोस्तों वो जो हम लोग ने ड्रीम इलेवन वगैरह में जो मैचेस ऐड होते हैं ना उनका, उनमें से रिकॉर्ड है। ठीक है, रिसेंट रिकॉर्ड में ये प्लेयर अच्छा है दोस्तों, ट्राई करेंगे। T20 धीराज पत्रो, इन्होंने ना डोमेस्टिक में T20 वगैरह खेला बट वो बड़े लेवल में नहीं खेले। जो बड़े लेवल के मैचेस होते हैं जो फैन को टेलीकास्ट करता है वैसा मैच नहीं खेला है। ओवरऑल 12 का एवरेज है, इग्नोर करेंगे। मोहसिन इद्रिस फिलहाल दोस्तों 25 का एवरेज है, 29 मैच में 685। ये बंदा ट्राई करना है तो कर सकते हो दोस्तों, एक चांसेस है। मोहसिन इद्रिस आपको टॉप थ्री में खेलते हुए दिखे, अगर ये टॉप थ्री में खेलते हुए दिखेगा तो ए मलिक जो है ना अनास मलिक वो नीचे खेलेंगे या फिर बिलाल अहमद ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, विरंदीप सिंह ये जो बंदा है ना, रिसेंटली जो हम लोग ने नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था, क्या हुआ था, मलेशिया जो विन भी किया था क्वालिफायर भी, उसमें ना विरंदीप टू डाउन बैटिंग कर रहा था और रिसेंट टेंडेंसी क्या है मैंने नोटिस किया, डोमेस्टिक में भी विरंदीप टू डाउन खेल रहा है। तो वैसे में दोस्तों ग्रैंड लीग में मोहम्मद इद्रिस डिफेंशियल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डोमेस्टिक T20 में इसका एवरेज अच्छा है, 25 का एवरेज है 29 मैच में और ये टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। ये ओपन आने से भी एक पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको ओपन करते हुए दिखे, तो ग्रैंड लीग में बैट फर्स्ट जरूर ट्राई कर सकते हो। विरेंद्रदीप सिंह बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर, 174 T20 डोमेस्टिक मैच में 50 का एवरेज से 6000 प्लस रन, क्या ही प्लेयर है दोस्तों। कम मतलब कोई यहाँ पे क्वेश्चन होगा नहीं कि ये बेस्ट कैप्टन पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग में अलग यूज करना है तो करो, स्मॉल लीग में फाइनेस्ट है, इवन मैं ग्रैंड लीग में भी शायद 10-12 टीम में इनको ही कैप्टन बनाऊंगा। अनास मलिक 33 मैच 22 का एवरेज 516 रन, 13 ओवर में 6 विकेट है दोस्तों, 22 का एवरेज से रन बनाता है। इद्रिस इनसे बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अच्छा डिफेंशियल है इद्रिस। खिजा रहा दुरानी दोस्तों 48 मैच में 366 रन, 142 ओवर, 49 विकेट, कोई ले ना ले मैं रखूंगा दोस्तों, ये हिटिंग कर लेंगे मिडल ऑर्डर में और ये इंटरनेशनल प्लेयर है, वेली इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बना, अच्छा प्लेयर है दोस्तों खिजा रहा दुरानी, मस्ट पिक है। अकरम मलिक 57 T20 मैच 717 रन, 136 ओवर, 51 विकेट, यूज करना है तो कर सकते हो, फिलहाल मैं सेफ जाने के लिए रख लूंगा। अंडर 19 भी खेल चुके मलेशिया के लिए, प्लेयर अच्छा है, पोटेंशियल है, बॉल फर्स्ट हुआ तो जहर पी के एक हाई पॉसिबिलिटीज है, डेथ में कर जाए, बॉल फर्स्ट हुआ तो ज़्यादा बेटर है, बॉल सेकंड में भी रख सकते हो, लोअर ऑर्डर थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं। शर्विन सुरेंद्रन 85 मैच 21 के एवरेज से 759 रन दोस्तों, इसने रिसेंटली T20I खेला है जहाँ पे 23 रन का नॉक था, बैट फर्स्ट ग्रैंड लीग में यूज करो, स्मॉल लीग में फिलहाल के लिए इग्नोर करो। रिसेंट परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में अच्छा था, MAP मलेशिया में जो प्रेसिडेंस कुछ T20 हुआ था उसमें दोस्तों 29-49-46 था इनका। पवनदीप सिंह वाइट डिफॉल्ट पिक होना चाहिए और दोस्तों एक और अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन पिक, ये एक ऐसा बंदा है ना पवनदीप, ये आपको एक विकेट लेते हो हर मैच में दिखेगा, एक से दो ईयर ऑलमोस्ट ये हर मैच में ले लेता है। ठीक है, बहुत सेफ प्लेयर है और ऊपर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मेरा मानना है दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो कमाल का प्लेयर है, बाय डिफॉल्ट पिक होना चाहिए पवनदीप सिंह और कैप्टन वाइस कैप्टन बिंदास बना सकते हो। अरास अजमी 23 मैच में 21 विकेट 59 ओवर है, यहाँ पे ना इनके जो ओवर्स है ना ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर्स के ओवर्स इनके ना कट होते रहते हैं, क्योंकि देखो खिजर है, दुरानी है, पवनदीप सिंह है, वीरेंद्रदीप सिंह है, आइडियली दोस्तों तीन प्लेयर ऐसे आ चुके हैं जो आपको चार ओवर करते हुए दिखेंगे। उसके साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे कौन है, अशरफ असलम 18 मैच में 18 विकेट, बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो, वकर उल्ला 5 मैच में 7 विकेट, दोस्तों इसका नंबर ऑफ ओवर रेट बहुत डिसेंट है, 5 मैच में 17 ओवर है, T10 में 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, T10 में भी डिसेंट खेला है, हर मैच में बॉलिंग किया, SSF T20 में भी दोस्तों 1 विकेट निकाला, ये आपको जरूर बॉलिंग करते हुए दिखेगा। एक और बॉलर है जिसको बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो कर सकते हो, शिवनरीन राजारत्नम 40 T20 मैच में 33 विकेट 88 ओवर 232 रन है दोस्तों, ग्रैंड लीग में बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो, डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो टीम है इनका जो बैटिंग यूनिट है मुझे बहुत ज़्यादा वीरेंद्र सिंह डिपेंडेंट टीम लग रहा है, अगर इद्रिस खेला हाई पॉसिबिलिटीज है कि बिलाल अनास या फिर वीरेंद्रदीप से कोई एक नीचे आए, एक क्या है रिसेंट टेंडेंसी वीरेंद्रदीप टू डाउन खेलने का टेंडेंसी चल रहा है, तो यहाँ पे जो इद्रिस है वो ओपन करा सकता है बिलाल अहमद के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम अगर चेस करेंगे तो भी इनका विकेट गिरने के पॉसिबिलिटीज रहेगा, विकेट लॉस होगा दोस्तों, क्योंकि इनके पास मुझे एक ही ढंग का बैट्समैन दिख रहा है वीरेंद्रदीप सिंह। यस, सपोर्टिव बिलाल अहमद, अनस मलिक, शर्विन सुरेंद्रम सब सपोर्टिव है, बट जो एक प्लेयर होता है पकड़ के खेलता है, बड़ा इनिंग्स खेलता है या फिर 200 रन अगर टीम को बनाना पड़ेगा तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो वीरेंद्र सिंह के ऊपर डिपेंडेंट होगा टीम। SOH से देखोगे हम लोग, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं कर फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करते हुए जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल। SOH से देखो सलीम सदमान ओपन कराएगा सईद अजीज, सलीम सदमान हार्ड हिटर प्लेयर है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, सईद अजीज खुद भी हार्ड हिटर प्लेयर है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद इमाद और हसनैन अहमद उतने मुझे खास पिक लगा नहीं, ये अरिफ जमालुद्दीन ये अच्छा फिनिशर है दोस्तों, विजय उन्नी फिनिश कर सकता है, राजेंद्रन थोड़े बहुत हिटिंग कर सकते हैं, इनके फिनिशिंग थोड़े से हिटिंग करेंगे, बट टेंडेंसी जो मुझे दिख रहा है इस टीम के पास भी वो है
विकेट लूजिंग, विकेट लूज होगा मलेशिया में बेसिकली दोस्तों, आपको रन बनते हैं 150 के करीब और 8 से 9 विकेट हर मैच में गिर जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों एंड से विकेट गिरते हुए दिखेंगे, स्पेशली हूएवर गोना बैट फर्स्ट वो वाला टीम जरूर से मुझे लगता है 7 से 10 विकेट तक लॉस करना तो चाहिए। ऑन पेपर तो वही बता रहा है, अगर इनके जो बॉलर्स है ना, दोनों टीम का बॉलिंग यूनिट तगड़ा है, बॉलर्स अगर खेलते हैं सही वाला तो दोस्तों जरूर विकेट गिरेगा। विजय उन्नी इनके पास कमाल का बॉलर, रिजवान हैदर मेरा मानना है वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है, फाइनेस्ट फॉर है, अनवर रहमान है इसके पास, अश्विन तान हरीश जो समो विकेट निकाल जाता है। तो इस टीम के पास बॉलिंग बहुत तगड़ा दिख रहा है मुझे, 4 इनका पास क्वालिटी बॉलर है, इनमें से 3 इंटरनेशनल है, विजय उन्नी, रिजवान हैदर, अनवर रहमान, अश्विन तान हरीश। मुझे नहीं लगता है कि सईद अजीज बॉलिंग करेगा, लेट्स सी मैच के बाद समझ आएगा, मुझे चांसेस प्रोबेबिलिटीज कम लगता है सईद अजीज एज बॉलर, बट हाँ विकी प्लस बैटिंग जरूर कराएगा। ठीक है, सईद अजीज नाम ही काफी है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल खेलते हैं, अच्छा प्लेयर है, एक टाइम पे तो प्योरेस्ट ऑलराउंडर था, 172 मैच में 284 ओवर है, 103 विकेट, बट अभी ना ये रिसेंटली बॉलिंग कम करने लगे। जेड बिन मोदीन को इग्नोर ही करेंगे, अभी हमारे पास सईद अजीज जैसे विकी है तो क्यों सोचूं। इमाद खान फिलहाल मैं नहीं लूंगा, ग्रैंड लीग में यूज करना है तो करो, T20 में 4 मैच में 40 रन। दोस्तों यहाँ पे जितना भी आपको T20 दिख रहा है ना, ये सब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोमेस्टिक T20 का रिकॉर्ड है। देखो कुछ प्लेयर जैसे कि इंटरनेशनल खेल चुका है सईद अजीज वाह या फिर विरणदीप, इनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड के साथ किसी प्लेयर के दोस्तों डोमेस्टिक रिकॉर्ड आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल में डेफिनेटली इनको टफ कंपटीशन फेस करने को मिलता है, वहाँ पे रिकॉर्ड थोड़े से डाउन हो सकते हैं, बट वो ही प्लेयर का डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत हाई है। तो मैं सिर्फ डोमेस्टिक के रिकॉर्ड के साथ टैली करा रहा हूँ, और इंटरनेशनल प्लेयर का मैं तो खुद मेंशन करता हूँ, रिसेंट 5 मैच में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको दिख ही रहे हैं ना, ये इग्नोर करेंगे, इमाद खान इग्नोर करेंगे। अमरीफ जमालुद्दीन बैट फर्स्ट हुआ, ये अच्छा हिटिंग कर सकता है, यूज कर सकता है, 28 का एवरेज, 86 मैच में 1700 रन है, अच्छा हिटर है, थोड़े बहुत दोस्तों बॉलिंग कर सकते हैं बट अच्छा हिटर है दोस्तों। एक टीम MSA T20 में देखो, एक मैच में 61, 34, 39 कमाल का प्ले बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगर दोस्तों 3 बैटर्स फॉर्मेट खेल रहे हो, अरिफ जमालुद्दीन नॉट अ बैड चॉइस, डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होगा। राजकुमार राजेंद्रन ये बॉल प्लस बैट दोनों कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या पता है, दोनों में ही ये इनकंसिस्टेंट है इन नेचर, 44 T20 मैच में 10 का एवरेज से 304, कौन लेगा बंदे को, सिर्फ 10 का एवरेज कोई रखता है, 66 ओवर में 27 विकेट, बट ये कभी बॉलिंग कर लेता है, कभी बैटिंग कर लेता है, ऐसा वाला प्लेयर है। अशरफ अजमी 42 T20 मैच में 574 रन, 25 के एवरेज से 73 ओवर, 22 विकेट, फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा, ग्रैंड लीग में बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो, 42 मैच में रन ओवर कम ही है, 73 ओवर बहुत कम होता है T20 में, 42 मैच में 22 विकेट है। अजबी तान हरीज देखो, 39 मैच 91 विकेट, 35 विकेट, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास है, रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो 0 विकेट 2 विकेट है, 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट है, बंदा अक्सर 2-3 विकेट निकाल देता है, मैंने नोटिस किया इसको ना, ये एक ऐसा बॉलर है जिसको गंदा बॉल में भी विकेट मिल जाता है। ठीक है, मैं मलेशिया के मैचेस कवर कर रहा हूँ, पता है मैं जब अर्ली स्टेज में मैं अपना स्टार्ट किया था ना, मैं जब खुद खेलना स्टार्ट किया था फैंटेसी 5-6 साल पहले दोस्तों, तब से दोस्तों 5 साल पहले शायद 2018 के अर्ली में दोस्तों, उस टाइम पे ना मैं खुद दोस्तों इसमें खेलता था और मैं खुद मलेशिया के मैचेस खेलता हूँ, तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनके बारे में मैं बहुत दिन से रिसर्च कर रहा हूँ और कंटिन्यूस भी कर रहा हूँ। जैसे कि ये हुआ, फिर हुआ दोस्तों यूएई के मैच सीरीज, बहुत सारे सीरीज हमने यूएई के कवर किए, मलेशिया के बहुत सारे सीरीज कवर किए दोस्तों, अब तक थाईलैंड वुमेन्स का हमने बहुत सारा सीरीज कवर किया, ठीक है, स्कॉटलैंड वुमेन्स के हम लोग बहुत सारे सीरीज कवर किए थे। जे मुरैली सर 37 T20 मैच, 369 रन, 79 ओवर में 21 विकेट है दोस्तों। सले सदमान एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, 54 मैच में दोस्तों 748 रन है, 133 ओवर, 44 विकेट, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों सले सदमान, मस्ट बी प्लेयर आपके लिए बनता है, बॉलिंग भी कर लेता है दोस्तों, बट बैटिंग इनका थोड़ा सा ज्यादा मुझे डिसेंट लगता है, हिटिंग कर लेते हैं बट हाँ बॉलिंग भी करा लेता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा डेफिनेटली, ये ना ऑलराउंडर है। सईद अजीज अभी बॉलिंग कर नहीं रहा है तो उसकी जगह ना सले सदमान डिफरेंशियल यूज हो सकता है, कई बार डेथ में भी आ जाता है, T10 में ज्यादा बेटर क्रिकेट खेलता है बट T20 में भी वेरी डिसेंट, अगर बॉलिंग डेथ में करने को मिलेगा तो जरूर विकेट निकाल सकता है। अरसलान शबीर संधू 18 T20 मैच 17 विकेट है, 32 ओवर दोस्तों। हसनैन अहमद का कुछ ऐसा 16 मैच में 187 रन, 29 ओवर, 9 विकेट, आरिफ यूसुफ फिलहाल मैं इग्नोर ही करना पसंद करूंगा, ग्रैंड लीग में इनको यूज करना है तो करो, रिजवान हैदर 70 मैच में 82 विकेट, एक अच्छा विकेट टेकर है, इंटरनेशनल में रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। रहीम खान मलिक 55 मैच 48 विकेट, 142 ओवर, चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज कर सकते हो, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराता है। अनवर रहमान दोस्तों ये बता मस्ट पिक प्लेयर होना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत सॉलिड रिकॉर्ड है T20 में, डोमेस्टिक में 115 मैच में 140 विकेट, रिसेंटली देखो 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। जैसे कि सबसे पहले मलेशिया का जो बेस्ट बॉलर हुआ करता ना वो कौन था पता है आपको, फित्रिशेम और अनवर रहमान, उसके बाद और उसके साथ सईद अजीज बॉलिंग कराता था, विरणदीप सिंह फिर खेलने लगा, ये 4 प्लेयर ना बेसिकली मलेशिया के लिए एक टाइम में अपना मैक्सिमम ओवर करते थे, मेन प्लेयर है आज जो
मलेशिया क्रिकेट खेल रहा है ना उसमें पांच प्लेयर का योगदान सबसे ज्यादा मुझे दिखता है, पृथ्वी शैम, अनवर रहमान, और फिर दोस्तों आपको मिलेगा पृथ्वी शैम, अनवर रहमान, वीरेंद्र सिंह, सईद अजीज, अहमद फैज, ये पांच प्लेयर। उसके बाद डी मोगन आया था, अब तो डी मोगन खो गया दोस्तों, कहाँ है पता नहीं, ये उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता बट एक टाइम में बहुत सॉलिड प्लेयर था। विजय उन्नी 159 T20 मैच में दोस्तों 673 रन है इसके पास, ये अभी ना हिटिंग कर लेता है विजय उन्नी, ठीक है, 492 169 विकेट, अच्छा प्लेयर है और अभी इंटरनेशनल में कैप्टन इनके ऊपर बहुत भरोसा देता है, टीम में रख लो इसको। किशन कुमार आनंद 33 मैच 15 विकेट, फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा, ग्रैंड लीग में बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो कर सकते हो। चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हो दोस्तों, जुड़ जाना टेलीग्राम। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में गाइस, फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ पे दोस्तों मेरा कैप्टन वीरेंद्र सिंह रहेंगे, वाइस कैप्टन बनेगा सईद अजीज, ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गया, अकीजर है, दुरानी हमारे पास, बिलाल अहमद है, ए मलिक हमारे पास, पवनदीप सिंह, विजय उन्नी हमारे पास, रिजवान हैदर, अनवर रहमान है दोस्तों, अजबितान हरीश, साले सदमान। फिलहाल गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच का, ये मेरा फाइनल अपडेट डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जो मेरा फाइनल अपडेट होगा या फिर जो मेरा डेमो टीम्स होंगे दोस्तों वो शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम पे। गाइस आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए ये रहेगा कवरेज, नेक्स्ट मैच के अपडेट डेमो टीम के साथ मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।